बोनी कपूर ने श्रीदेवी को सबसे पहली बार तमिल फिल्म में देखा था, तभी से वो चाहते थे कि वो उनकी फिल्म में भी काम करे। बोनी कपूर की शादी मोना कपूर से साल 1983 में हुई थी। बोनी और मोना कपूर के दो बच्चे हैं, बेटा अर्जुन कपूर और बेटी अंशुला कपूर। हालांकि श्रीदेवी के आते ही बोनी और मोना की बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद हो गई थी। जब बोनी और श्रीदेवी के रिश्ते लोगों के सामने आए तो लोगों ने श्रीदेवी को घर तोड़ने वाली कहा था। फिल्म मिस्टर इंडिया की शूटिंग के दौरान से ही बोनी कपूर ने श्रीदेवी को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था। बोनी ने श्रीदेवी को बढ़िया मेकअप रूम, अच्छे कॉस्ट्यूम की व्यवस्था की और हर वो चीज दिलाई जो वो चाहती थी। बोनी कपूर और श्रीदेवी के बीच नजदीकियां तब और बढ़ गई जब श्रीदेवी पिता की मृत्यु हुई। इसके बाद श्रीदेवी जब बोनी को करीब से जानने लगी तो उन्हें भी बोनी से प्यार हो गया। हालांकि उनकी बहन इस फैसले से हैरान जरूर थी, लेकिन श्रीदेवी ने उन्हें भी मना लिया। बोनी कपूर और श्रीदेवी की शादी 1996 में हुई थी। श्रीदेवी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। बोनी और श्रीदेवी की उम्र में लगभग 8 साल का अंतर था। इन दोनों की शादी मंदिर में साधारण तरीके से संपन्न हुई थी। इस शादी से इनके दो बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर है।